Let's complete our chapter interest on drawings, topic interest on drawings 2.4b. हम ये 6 एग्जाम्पल कल कर चुके थे, टोटल 12 एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल नंबर 7, जी विट्रियो, यू मिस कंप्लीट योर नोट, साथ साथ क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन बनाइए. जी विट्रियो रुपी 20,000 पर मंथ फॉर 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April. जी ने 20,000 हर महीने विड्रॉ किए पर सिर्फ 6 महीने के लिए, और वो कौन से 6 महीने? पहले 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट्स इट. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च में उसने कोई भी ड्राइंग्स नहीं की. मतलब इसकी ड्राइंग्स कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हैं, पहले 6 महीने के लिए, हर महीने की स्टार्टिंग में. सॉल्यूशन टू 7th, टोटल ड्राइंग्स, हाउ मच आर द टोटल ड्राइंग्स? 20,000 पर मंथ फॉर 6 months, 6 महीने के लिए ड्रॉइंग्स हुई हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो उसने पूरे साल में 1,20,000 विड्रॉ किए. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, और एन है, विल कंप्यूट एन. पहली ड्रॉइंग 1st April, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September. फर्स्ट ड्रॉइंग्स के बाद वाले मंथ्स 12, लास्ट ड्रॉइंग्स के बाद वाले मंथ्स 7, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ये देखिए 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं. हाँ, अगर 30 सितंबर को बुक्स क्लोज हो रही होती, पॉइंट समझेगा ध्यान से, अगर बुक्स 30 सितंबर को क्लोज हो रही होती तो यहां पर आता 6, यहां पे आता 1. 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 months लगते. बट क्वेश्चन में लिखे 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है. इसका एवरेज ले लेंगे, 12 प्लस 7 बाय 2, 19 बाय 2, 9.5 months, 9.5 महीने की ड्राइंग्स कंसीडर होंगी. सो द फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू आर बाय 100 इंटू एन बाय 12. हाउ मच आर द ड्राइंग्स? 120. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मंथ्स 9.5. गॉट इट? 6 महीने के लिए ड्रॉइंग्स हुई, पर पहले 6 महीने. $11,400 इज द आईओडी. अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है जब ड्रॉइंग्स कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हैं. एग्जाम्पल नंबर 8, एच विड्रियो रुपी 20,000 पर मंथ फॉर 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July.
एच ने विड्रो किए 1 जुलाई से 6 महीने के लिए, मतलब अप्रैल में जून में उसने कोई विड्रो नहीं किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में विड्रो किया, जैन फेब मार्च में फिर से विड्रो नहीं किया, 12 में से 6 महीने विड्रो किया, 6 महीने विड्रो नहीं किया। एग्जाम्पल 8, पहली ड्रॉइंग्स हुई हैं 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। 1 जुलाई से जब बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च, 9 मंथ्स। 1 दिसंबर से जब बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च, 4 मंथ्स। हाँ, अगर बुक्स क्लोज हो रही 31 दिसंबर को, अगर बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही होती तो यहाँ पर 6 मंथ्स और यहाँ पर 1 मंथ, 6 + 1/2, 7/2, 3.5 months, 9 + 4/2, 13/2, 6.5 months। क्लियर? एग्जाम्पल 9, आई विड्रू ₹20,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, पहले 6 महीने में ड्राइंग्स नहीं हुई। पिछले क्वेश्चन में जैसे 6.5 था, इसमें हम कितने मंथ्स कंप्यूट करेंगे, लेट्स सी। एग्जांपल नंबर 9, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर, फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट जैन, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च। फर्स्ट अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स, फर्स्ट मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, एवरेज 6 + 1/2, 7/2, 3.5 months। 1,20,000 into 12% for 3.5 months amounted to 4,200, 4,200 rupees। We are doing when the drawings are consistently working. Example 10. J withdrew ₹150,000. ड्यूरिंग द ईयर, जे ने 1.5 लाख रुपए विड्रू किए हैं एग्जाम्पल 10, सॉल्यूशन 10। जे ने 1.5 लाख रुपए विड्रू किए,
कब विड्रॉ की है नहीं पता. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी टोटल ड्रॉइंग्स इंटू आर बाय 100 इंटू एन बाय 12 150,000 इंटू 12% फॉर 6 months. अगर क्वेश्चन में डेट ना मेंशन हो कि ड्राइंग्स कब हुई हैं तो ये यूनिवर्सल अजम्पशन है. व्हाट इज यूनिवर्सल अजम्पशन? इट इज नॉट अज्यूम्ड बाय यू, इट इज नॉट अज्यूम्ड बाय मी, इट इज अज्यूम्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएस, ऑडिटर्स. इट्स एन यूनिवर्सल अजम्पशन. अगर डेट नहीं मेंशन तो ड्राइंग 6 months के लिए लगेगी. हम ये मानेंगे साल के बीच में ड्राइंग्स की गई, अगर डेट मेंशन हो तो, अगर ना हो तो. सो 150,000 का 12% फॉर 6 months इज 9,000. क्लियर? नीचे नोट दीजिए. नोट नंबर 1, इफ पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन half the duration of accounting period. मतलब 12 महीने की बुक्स क्लोज हो रही हैं तो हम 6 महीने की आईओडी चार्ज करेंगे, 6 मंथ्स की बुक्स क्लोज हो रही हैं तो हम 3 मंथ्स की आईओडी चार्ज करेंगे, 10 मंथ्स की बुक्स क्लोज हो रही है तो हम 5 मंथ्स की आईओडी चार्ज करेंगे. इफ drawing state is not mentioned, the months would be half the accounting period. इस क्वेश्चन में 12 महीने की अकाउंटिंग पीरियड थी तो हम 6 मंथ्स चार्ज कर रहे हैं. दैट मीन्स 12 मंथ्स को हम 6 मंथ्स में कंसिडर करेंगे. जैसे एबीसी पार्टनर है, 3 महीने बाद डेथ होगी सी की. एबीसी पार्टनर है, 3 महीने बाद सी की डेथ होगी तो सी की आईओडी कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगी? गुड, 1.5 months, क्योंकि 3 महीने का अकाउंटिंग साइकिल हो गया, 1.5 महीने की आईओडी चार्ज हो जाएगी. क्लियर एवरीवन? एग्जांपल नंबर 11, के विड्रू रुपी 10,000 every 2 months starting from 1st April. ये वाला पॉइंट किसी भी बुक में नहीं है, आज तक पेपर में भी नहीं आया. मैंने क्यों करवाया? आपके स्कूल के टीचर्स, नॉट ऑल, कुछ आपको टेबल बना के लर्न करने के लिए कह देंगे, 6.5 months, 6 months, 5.5 months, 7.5 months, 6 months, 4.5 months, आप वो टेबल लर्न कर लेंगे, मार्क्स आ जाएंगे. बट पेपर में अगर ऐसा पॉइंट आ गया तो, इसलिए आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए. ये एग्जांपल मैंने इसलिए करवा रहा हूं. टोटल ड्राइंग्स 10,000 एवरी 2 months. के ने 10,000 हर 2-2 महीने बाद निकाले तो उसने 6 बार ड्राइंग्स की है एक साल में. 10,000 साल में 6 बार, तो कितने पैसे ड्राइंग्स की उसने? 10,000 फॉर 6 months, 60,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. एन इज इक्वल टू, लेट्स कंप्यूट, 1st April, 1st June,
फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट फेब। छह बार पैसे निकाले बिजनेस से, हर दो दो महीने बाद 10,000। तो कैसे एन कंप्यूट करेंगे? फर्स्ट ड्रॉइंग्स के बाद कितने मंथ्स? 12। लास्ट ड्रॉइंग्स के बाद कितने मंथ्स? 2। टेक द एवरेज 7 मंथ्स। 7 मंथ्स की ड्रॉइंग्स रहेगी। सो द टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मंथ्स आर 7। सो द इंटरेस्ट वुड बी 4,200 आई गेस। यस, क्लियर। अगर इसकी जर्नल एंट्री डालनी हो तो पूछी नहीं है स्टिल। किसकी इनकम है, किसकी कैपिटल से लेंगे? के की कैपिटल से लेंगे। केस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,200 बीइंग आईओडी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फर्म की इनकम है। और के कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक्सपेंस है, उसके कैपिटल से लेंगे। वही एंट्री जो हमने प्लस वन में की थी, ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप कैपिटल की जगह ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स भी तो कैपिटल में ही एडजस्ट होती है। बाद में ड्रॉइंग्स हम कैपिटल में ही तो प्लस माइनस कर देते हैं फाइनल अकाउंट्स में। सो केस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या केस ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12। एल विड्रू फ्रॉम द फर्म एज फॉलोज। एल ने कुछ ऐसे ड्रॉइंग्स की है। यहां पर अब मैं आ गया हूं रेंडमली। अगर ड्रॉइंग्स रेंडमली हो, कंसिस्टेंटली ड्रॉइंग्स ना हो, जब मन किया तब विड्रॉ कर लिया। 30 अप्रैल रुपी 10,000, 15 जून रुपी 20,000, 1 अक्टूबर रुपी 15,000, 31 दिसंबर रुपी 20,000, 1 फेब रुपी 7,000, 15 मार्च रुपी 10,000, 31 मार्च रुपी 12,000। रेंडमली ड्रॉइंग्स है। क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है ड्रॉइंग्स का? देखिए 30 अप्रैल, 15 जून, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 1 फरवरी, कोई पैटर्न नहीं है। और कोई अमाउंट का भी पैटर्न नहीं है। जब मन किया उतने पैसे निकाल लिए। अब हम आईओडी कैसे कंप्यूट करेंगे? सॉल्यूशन, जब भी ड्रॉइंग्स रेंडमली हो, वी विल अप्लाई प्रोडक्ट मेथड यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। सी अमाउंट 10,000, 20, 15, 20, 7, 10, 12.
मंथ्स, क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, ट्वेल्थ का सोल्यूशन है ये, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही थी, लेट इट बी, हम डेट पे लिख लेते हैं, मंथ्स काउंट करने इजी रहेंगे, 30 अप्रैल, 15 जून, 1st अक्टूबर, 31 दिसंबर, 1st फेब, 15th मार्च, 31st मार्च, 30 अप्रैल से 31st मार्च, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 11 मंथ्स, 15 जून से 31st मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 9.5 मंथ्स, 10.5, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 9.5 मंथ्स, फर्स्ट अक्टूबर से 31st मार्च 6 मंथ्स, 31 दिसंबर से 31st मार्च 3 मंथ्स, 1st फेब से 31st मार्च 2 मंथ्स, 15 मार्च से 31st मार्च हाफ मंथ। बच्चे पूछते हैं अगर 13 मार्च हो 10 मार्च हो, नहीं पॉसिबल, पंजाब बोर्ड को पॉसिबल है, आईसीएस के बोर्ड को पॉसिबल है, क्योंकि डेज में कैलकुलेशन होती है ना, सीबीएसई को नहीं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पंजाब बोर्ड को कैलकुलेटर अलाउड है, आईसीएस को कैलकुलेटर अलाउड है, हमारी मार्शा कैलकुलेशन ऐसी रहेंगे, अगर 13 मार्च आए कंसीडर 15 मार्च अप्रॉक्सीमेटली, 31st मार्च 0 मंथ्स, क्लियर। प्रोडक्ट दिस इनटू दिस, आई नो ये मेथड बड़ा है, आई नो दैट, बट अगर रैंडम ड्रॉइंग्स हो रैंडम डेट्स पे तो आप प्रोडक्ट मेथड ही लगा सकते हैं, यू कैन नॉट डू इट विद द फॉर्मूला शॉर्टकट, फर्स्ट डेट लास्ट डेट मंथ्स निकाले एवरेज और एन बाय 12, जो अभी तक 11 एग्जांपल्स में हमने किए, 20,000 इंटू 9.5 19,000 आई गेस, 1,90,000 यस, 15,000 into 6, 90,000, 20,000 into 3, 60, 7 into 2, 14, 10 into 0.5, 5, 0. Total of product. The formula is total interest on drawings is equal to product sum of product into R by 100 into 1 by 12, not N by 12, 1 by 12, 4,69,000 into R was 12%, वही जो हम एग्जाम्पल 1 टू 12 किए हैं, 12 पार्टनर है, 12 पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कर ली हमने, इंटू 1 बाई 12, द आंसर इज 4,690. इफ द ड्रॉइंग्स आर कंसिस्टेंट आप शॉर्टकट से करेंगे, इफ द ड्रॉइंग्स आर रेंडम आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे. अब आप में से कई बच्चों ने नोट कर लिया होगा ये 1 बाई 12 कैसे आया, सर से पूछना है, मैं अभी बता देता हूं. अच्छा वैसे फॉर्मूला ही है, प्रोडक्ट इंटू आर बाय 100 इंटू 1 बाय 12, इट्स अ फॉर्मूला, लर्न इट, बट इट इज माय मॉरल ड्यूटी, मैं नहीं भी बताऊंगा आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, इट इज माय मॉरल ड्यूटी ये कैसे है आपको बताना. प्लीज चेक हाउ द फॉर्मूला गॉट दिस, सभी ध्यान देना. हम करेंगे प्लस वन वाला रूल, जैसे प्लस वन में आईओडी कंप्यूट करते हैं, ऑल्टरनेटिवली सिर्फ समझाने के लिए 10,000 का
12% for 11 months plus 20,000 ka 12% for 9.5 months, 15,000 ka 12% for 6 months, 20,000 ka 12% for 3 months, 7,000 ka 12% for 2 months, 10,000 ka 12% for 1/2 month, 12,000 ka 12% for 0 month. यही किया हमने पहले भी. कुछ कॉमन आ रहे हैं. यस, 12/100 इंटू 1/12 ब्रैकेट, 10,000 इंटू 11 प्लस 20,000 इंटू 9.5 प्लस 15,000 इंटू 6 प्लस 20,000 इंटू 3 प्लस 7,000 इंटू 2 प्लस 10,000 इंटू 0.5 प्लस 12,000 इंटू 0. ये देखिए 4,69,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12. ये जो चीज है ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है ये 1/12 कैसे आता है. प्रोडक्ट मेथड में व्हाई इट इज 1/12 ड्यू टू दिस. क्लियर एवरीवन? You may ignore that if you want to. So, our topic is done. Interest on drawings. Firm के लिए income है, partner के लिए खर्चा है. दो तरह की drawings होती हैं, drawings out of capital, drawings out of profits. जो drawings out of capital है उस पर IOD charge नहीं होता, जो drawings out of profits है उस पर IOD charge होता है. दो तरह की ड्रॉइंग्स हो सकती हैं. द फर्स्ट इज कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट वे से ड्रॉइंग करी जा रही है. द सेकेंड इज रैंडम. कंसिस्टेंट पे हम शॉर्टकट निकाल के एन निकाल लेते हैं, रैंडम में आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना होता है. प्रोडक्ट में 1/12 कैसे आया बता दिया. अब नीचे दो नोट दीजिए एंड विल वाइंड अप आवर चैप्टर. नोट नंबर 1, राइट डाउन नोट नंबर 1. If the drawings are consistent, that is, if partner withdrew same amount at same duration, then product method is also applicable. Yes. ये जो पहले 10 example मैंने कराए थे उन सब में product method आप कर सकते थे. जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000, 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
अगर ड्राइंग्स रैंडम है तो प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा, अगर ड्राइंग्स कंसिस्टेंट है तो प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। दिस इज नोट नंबर वन। प्रोडक्ट मेथड कैन बी अप्लाइड, अंडरलाइन द वर्ड कैन, क्लियर। नोट नंबर टू, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड नॉट 10% पर एनम, दैट इज पर एनम इज नॉट सुफिक्स विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मंथ्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, देन मंथ्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। कहने का मतलब यह है, अगर 10% पर एनम है
तब तो n by 12 लगेगा, अगर सिर्फ 10% है तो n by 12 नहीं लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं, लिखिए एग्जाम्पल। राम विड्रियो रुपी 1 lakh, राम विड्रियो रुपी 1 lakh ऑन 1st October 2020, राम विड्रियो रुपी 1 lakh ऑन 1st October 2020, कंप्यूट हिज आईओडी, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ आर इज इक्वल टू 10%, इफ आर इज इक्वल टू 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, ना राम की आईओडी कितने पैसे विड्रॉ किए, 1 lakh, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर पर एनम होता तो 6 months लगते, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पर एनम नहीं लिखा तो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। टेन परसेंट की जगह 6%, 8% कोई भी हो सकते हैं। और इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, राम्स कैपिटल या राम्स ड्रॉइंग्स 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 बिंग आईओडी चार्ज्ड। क्लियर? सो द चैप्टर फंडामेंटल्स, टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंप्लीट, लेक्चर 2.5 टुमारो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है P&L अकाउंट, P&L अकाउंट के बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसकी कैसे वर्किंग होती है, वी विल बी डूइंग टुमारो। टॉपिक लेंथी है तो 2 से 3 लेक्चर में जाएगा, सो टुमारो वी विल डू 2.5A। क्वेश्चन नंबर 15 to 19 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 15 से 19, क्योंकि जो मैंने आपको 12 से 13 एग्जांपल बोर्ड पे कराए हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कल नया टॉपिक करवाना है, तो 15 to 19 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नाउ बाय बाय।